नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में इस साल 8000 उद्यमियों का होगा चयन। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब केवल 5 दिन पढ़ाई। अब गांव में भी मकान बनाने से पहले पास कराना होगा नक्शा। इंग्लैंड से हारने के बाद कोहली ने लिखा इमोशनल पोस्ट। जिम में वर्कआउट करने के दौरान गई एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की जान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में इस साल 8000 उद्यमियों का होगा चयन। बिहार की राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के लिए आयोजित कार्यशाला में जानकारी दी गई है कि इस साल मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कुल 8000 उद्यमियों का चयन किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके साथ ही मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि बिहार को अब रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाना है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए जो खुद को उद्योगपति बनाना चाहते हैं। अगर हम किसी एक व्यक्ति का उद्योग स्थापित करने में मदद करते हैं तो हमारा आभार एक पीढ़ी नहीं बल्कि कई पीढ़ियां करेंगी। बिहार के 9 जिलों में उद्योग को बढ़ाने के लिए प्लग एंड प्ले का भी निर्माण करवाया जा रहा है। रेपको बैंक ने 50 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। रेपको बैंक लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के कुल मिलाकर 50 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को ग्रेजुएशन पास होने के साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://www.repcobank.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब केवल 5 दिन होगी पढ़ाई। बिहार के बच्चों का स्कूल के प्रति जुड़ाव बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों में हफ्ते में केवल 5 दिन यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक ही पढ़ाई करवाई जाएगी। वहीं शनिवार को बच्चे स्कूल तो जाएंगे पर पढ़ाई करने के लिए नहीं बल्कि केवल खेलने के लिए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा यह बातें शिक्षा दिवस समारोह के दौरान की गई है। इसके साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ विद्यालय पोर्टल को भी आरम्भ किया है। बताते चले कि इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। वहीं इस वर्ष शिक्षा विभाग की ओर से किसी को मौलाना अबुल कलाम शिक्षा पुरस्कार नहीं दिया गया। पटना जू में फ्री में देख सकते हैं 6 फिल्में। इस बार 12 नवंबर को दोपहर 2 बजे संजय गांधी उद्यान में बने 3D हॉल परिसर में पटना बाल फिल्म महोत्सव का आगाज किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए कला संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव व बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम की प्रबंध निदेशक वंदना प्रेयसी के द्वारा कहा गया है कि यह कार्यक्रम 13 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को कुल 6 फिल्में दिखाई जाएंगी जिसमें पहली फिल्म या यूं कहें तो इस कार्यक्रम का आगाज संतोष सहनी निर्देशित फिल्म पकड़ा से होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री तेज प्रताप के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बॉलीवुड कलाकार संजय मिश्रा और कई फिल्मों के निर्देशक भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान बाल फिल्म की दशा दिशा पर साइन प्रेमियों के बीच बातचीत होगी और बच्चों को कला और विरासत के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अब गाँव में भी मकान बनाने से पहले पास कराना होगा नक्शा। अगर आप गांव में रहते हैं और आप मकान बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको सबसे पहले नक्शा पास करवाना होगा। बता दें कि सरकार यह विचार कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में खास सीमा से अधिक ऊंचे भवनों के निर्माण के लिए नक्शा पास करवाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। हालांकि ये नियम उन पर लागू नहीं होंगे जिनके घर तय सीमा से नीचे होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस नियम को लागू किया जाए इसके लिए पंचायती राज कानून 2006 में सरकार की ओर से संशोधन किया जाएगा। वहीं पंचायती राज विभाग की ओर से संशोधन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस नियम को बनाने के लिए संशोधन किए जाने के बाद नक्शा पास कराने का अधिकार पंचायती राज कानून विभाग के पास आ जाएगा। वहीं नक्शा पास कराने के लिए कुछ नियमावली बनाई जाएगी और शहरी क्षेत्र की तरह ही ग्रामीण क्षेत्र को भी नक्शा पास करवाने के लिए शुल्क देना होगा। हर 10 साल में आधार से जुड़े दस्तावेज कराने होंगे अपडेट।
अगर आपने भी अपने आधार को पिछले 10 साल से अपडेट नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों को माई आधार पोर्टल और माई आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से इसके लिए पोर्टल और ऐप से नई विशेषता डॉक्यूमेंट्स अपडेट जोड़ी गई है। पटना की अपेक्षा अन्य जिला कर्मियों को कब मिलेगी छुट्टी? बिहार सरकार ने नए साल के आने से पहले ही अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के अनुसार कर्मियों को साल में करीब 3 महीने की छुट्टी मिलेगी। वहीं अगर राज्य भर के कर्मियों और पटना मुख्यालय में काम कर रहे कर्मियों की बात करें तो दोनों के छुट्टी में अंतर देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां राज्य भर के मुख्यालय में काम कर रहे कर्मियों को साल भर में 83 दिनों की छुट्टी दी जाएगी तो वहीं पटना मुख्यालय में काम कर रहे कर्मियों को 130 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वे कर्मी जो पटना मुख्यालय में काम करते हैं उन्हें रविवार के साथ शनिवार की भी छुट्टी दी जाती है। वहीं अगर महीने के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा छुट्टियां मार्च और अक्टूबर के महीने में दी जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विद्यापति की। विद्यापति का जन्म उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिला के विस्फी गांव में एक शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विद्यापति मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राज पुरोहित थे। उन्हें मैथिली कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति का प्रभाव केवल मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय साहित्यिक परंपराओं तक भी था। विद्यापति के समय की भाषा प्राकृत देर से व्युत्पन्न अवहट पूर्वी भाषाओं जैसे मैथिली और भोजपुरी के संस्करणों में परिवर्तित होना शुरू हो गया था। इस प्रकार इन भाषाओं को बनाने पर विद्यापति के प्रभाव को इटली में डांते और इंग्लैंड में चासर के सम्मान माना जाता है। उन्हें बंगाली साहित्य का जनक कहा गया है। बिहार के 3 PFI संदिग्धों पर होगी कार्रवाई। गृह विभाग के विशेष सचिव KS अनुपम के द्वारा PFI के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत राज्य के सभी DM को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मंत्रालय के द्वारा अंडर सेक्रेटरी SP चौधरी के द्वारा बिहार के मुख्य सचिव को संलिप्त 7 लोगों के नाम की सूची दी गई है, जिनमें अररिया से 1, दरभंगा से 4 और मुंबई सीतामढ़ी से 1-1 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। इस सूची में 7 लोगों के नाम, बैंक खाता और पैन नंबर की डिटेल की जानकारी दी गई है। इस मामले को लेकर DM को PFI के अन्य सहयोगी संगठनों पर ठोस सख्ती का निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना है। पटना और आसपास के 5 रूटों पर दौड़ेगी 75 नई CNG बसें। अगले महीने से पटना और आसपास के 5 रूटों पर BSRTC की सिटी बस सेवा में शामिल होकर 75 नई CNG बसों का परिचालन किया जाएगा। बता दें कि इन 75 बसों में 42 बसें वैसी होंगी जिनका परिचालन पटना शहर और उसके आसपास के 3 रूटों में की जाएगी। इन 3 रूटों में गांधी मैदान पटना एम्स रूट, पटना हाजीपुर रूट और पटना बिहार शरीफ रूट को शामिल किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बची 33 बसों में से 20 बसों का परिचालन गांधी मैदान पटना जंक्शन बेली रोड रूट में की जाएगी। वहीं अंतिम में बची 13 बसों का परिचालन गांधी मैदान पटना सिटी रूट में की जाएगी। बताते चले कि CNG बसों का किराया इलेक्ट्रिक बसों के बराबर ही होगी। बिहार के जयनंदन को मिला श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान। बिहार के साहित्यकार जयनंदन को उर्वरक क्षेत्र की सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को के द्वारा 2022 के श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। बता दें कि साहित्यकार जयनंदन को स्मृति चिन्ह के साथ 11,00,000 रुपए भी दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जयनंदन का जन्म बिहार के नवादा जिले के मिल्की गाँव में 26 फरवरी 1956 को हुआ था। अब तक उनकी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। वहीं इसके अलावा उन्होंने कई नाटक और निबंध भी लिखे हैं। बताते चले कि अब तक उन्हें कई बार साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही अगर दिए जाने वाले सम्मान की बात करें तो इस सम्मान की शुरुआत 2011 में की गई थी और इसे हर साल ग्रामीण और कृषि जीवन पर आधारित रचनाकारों को दिया जाता है। 13 नवम्बर से तेजी से लुढ़केगा प्रदेश का पारा। बिहार की राजधानी पटना सहित सूबे के ग्रामीण इलाकों में ठंड बढ़ रही है। स्थिति ये है कि राज्य में उत्तर पछुआ हवा अपना असर दिखाने लगी है। ठंड को लेकर मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। ग्रामीण इलाके में पारा गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अब लगातार पारा गिरेगा और प्रदेश में ठंड की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश
प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। दो दिनों बाद यानी 13 से 14 नवंबर के बीच पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। राज्य में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की जमानत पर हुई सुनवाई। बीते दिन शुक्रवार को पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा आर्थिक इकाई से डायरी की मांग की गई है। बता दें कि इस डायरी में डीजीपी को कॉल करने के मामले के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आदित्य कुमार की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा फरार आईपीएस अधिकारी को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही मिली जानकारी के अनुसार ईओयू के द्वारा इंटरपोल को सूचना दी गई है कि आईपीएस के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। बताते चले कि इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। सीएम नीतीश ने शिक्षकों को चेताया। बीते दिन बिहार के ज्ञान भवन में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर शिक्षा दिवस 2022 समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षकों को चेताते हुए कहा है कि जो शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हमें वैसे शिक्षकों की जरूरत नहीं है, हम तनख्वाह बस उन्हीं शिक्षकों को देंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने कह दिया है कि और शिक्षकों की बहाली की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, शिक्षा संस्थानों की शुरुआत होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि लड़कियां खूब पढ़े और आगे बढ़े तो प्रजनन दर घट जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम आप सभी की तनख्वाह भी बढ़ाएंगे, लेकिन आप लड़कियों को पढ़ाइए। हम लोग चाहते हैं कि बजट का 25% शिक्षा पर खर्च हो। हलेश्वर स्थान इस वजह से है बेहद खास। हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी जिले में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। हर साल लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर में आते हैं, जो इसे उत्तर भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक मंदिरों में से एक बनाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल के मिथिला राजा जनक ने इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, और आज भी वहाँ पत्थर का शिवलिंग मंदिर के गर्भगृह में मूल रूप से विराजमान है। शिवरात्रि के समय यहाँ का माहौल और भी भक्तिमय हो जाता है। हलेश्वर स्थान हिंदुओं के असीम श्रद्धा का प्रतीक है और यहाँ हर व्यक्ति को शिवलिंग के दर्शन जरूर कराना चाहिए। मंदिर परिसर के अंदर भक्तों के ठहरने की व्यवस्था है, क्योंकि बहुत से लोग इस पवित्र स्थान पर दूर दूर से आते हैं। भक्त बागमती नदी या पुनौरा धाम तालाब से लाए गए पानी को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। पाकिस्तान मूल की गिरफ्तार महिला का सच आएगा सामने। भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार पाकिस्तानी मूल के अमेरिकन के बारे में लगातार केंद्र और राज्य की विभिन्न एजेंसियों की ओर से कई सालों की गतिविधियों को खंगाला जा रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अब महिला का मोबाइल व सिम कार्ड फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा जा चुका है, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद महिला से जुड़े कई सवालों पर से पर्दा उठ सकते हैं। बताते चले कि मिली जानकारी के अनुसार महिला का पासपोर्ट और भारत के फ्लाइट में टिकट में अलग अलग नाम पाया गया था, जिसके बाद इस बात की भी जांच की जा रही है कि महिला के अलग अलग नाम रखने के पीछे के क्या उद्देश्य रहे होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर गलगलिया के पास अवैध रूप से जाने के क्रम में महिला को हिरासत में लिया गया था। हाई स्पीड कॉरिडोर का पटना डीएम ने किया निरीक्षण। बीटा और फुलवारी शरीफ में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा अलाइनमेंट स्थल का निरीक्षण किया गया, जिस दौरान उन्होंने कुछ समस्याओं को दूर किया और मेट्रो रेल परियोजना के कार्य में गति लाने का निर्देश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 350 किलोमीटर की हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत अगर होती है तो पटना से दिल्ली और कोलकाता जाना लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार हाई स्पीड ट्रेन के लिए स्टेशनों का निर्माण पटना, बक्सर और गया में किया जाना है। इसमें खास बात यह है कि इस ट्रेन का पूरा ट्रैक एलिवेटेड होगा। बता दें कि पटना में स्टेशन के निर्माण के लिए 3 जगहों की पहचान की गई है। इस ट्रेन की शुरुआत होने से यात्रियों को पटना से दिल्ली जाने में महज 6 घंटे का समय लगेगा। वायरल खबर में आज बात होगी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि यदि वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र नहीं है तो दुर्घटना पर विचार नहीं किया जाएगा। पीआईबी ने आगे लिखा है कि यह दावा हैशटैग फेक है। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत दुर्घटना बीमा का दावा करने के लिए वैध पीयूसी सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य नहीं है। मुकेश सहनी का संजय जायसवाल पर पलटवार।
कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां सभी पार्टियों के बीच सियासी बयानबाजी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब बीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संजय जायसवाल को यह बताना चाहिए कि वो चिकित्सक का पेशा छोड़कर पहले राजद और अब भाजपा में क्यों आए हैं। बीजेपी को यह बताना चाहिए कि एनडीए के साथ ही उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। सहनी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि भले ही बीजेपी पैसा देकर विधायक को खरीद सकती है, लेकिन अभी वो टकसाल नहीं बना जो सन ऑफ मल्लाह को खरीद सके। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाने की भी बातें कही। राजद प्रभारी विनोद तावड़े आ रहे बिहार। बिहार विधानसभा की कुढ़नी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिहार भाजपा के प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े अगले सप्ताह 15 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, जिसे लेकर पार्टी तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि इस 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान विनोद तावड़े दरभंगा में 9 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। वहीं उसके अगले दिन यानी 16 नवंबर को भागलपुर आएंगे, जहां वे क्षेत्रीय बैठक में संगठन की नब्ज टटोलेंगे। इसके साथ ही यह भी खबर है कि विनोद तावड़े भाजपा कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैठक में भी भाग ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी तावड़े 14 अक्टूबर को 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ चुके हैं। दक्षिण भारत को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के मैसूर और चेन्नई के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। बता दें कि यह ट्रेन देश की 5वीं सेमी हाई स्पीड ट्रेनें होंगी। ये ट्रेन सुविधा और गति के मामले में भारतीय रेलवे की अगली महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ट्रेनें 25% से 45% तक के समय को कम कर देती है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्वचालित दरवाजा, जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली समेत कई चीजें उपलब्ध होती है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। वहीं प्रत्येक कोच में 4 आपातकालीन विंडो के जुड़ने से सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही अब 2 के बजाय 4 प्लेटफॉर्म साइड कैमरे होंगे। इंग्लैंड से हारने के बाद कोहली ने लिखा इमोशनल पोस्ट। T20 वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड से मिली हार के बाद स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम अपने सपने को हासिल किए बगैर ऑस्ट्रेलिया से अलविदा लेते हैं, लेकिन हम एक टीम के रूप में कई यादगार पलों को वापस लेकर जा रहे हैं, यहां से बेहतर होने का लक्ष्य रखते हैं। इसके साथ ही विराट कोहली ने कहा कि हमारे सारे प्रशंसक को धन्यवाद जो स्टेडियम में हमारा समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में आए थे। इस जर्सी को पहनने और हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने में हमेशा गर्व महसूस होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। केरल के मंदिर 1936 में सभी हिंदुओं के लिए खुले। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 1967 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2008 में महाराष्ट्र के अदलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस रद्द किया था। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को 2009 में वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली का जन्म 1896 में हुआ। प्रसिद्ध अभिनेता अजमत खान का जन्म 1940 में हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और एक बड़े समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय का निधन 1861 में हुआ और आज ही के दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बिना किसी को बताए कैसे देखें किसी का व्हाट्सएप स्टोरी। अगर आप भी किसी के व्हाट्सएप स्टोरी को देखना चाहते हैं पर उनकी बिना नजरों में आए हुए, तो आपके लिए व्हाट्सएप की ओर से एक सुविधा दी गई है। चलिए हम आपको उन सभी सुविधाओं के बारे में बताते हैं। अगर आप रीड रिसिप्ट बंद करते हैं तो इससे न केवल चैट में ब्लू टिक लगना बंद होते हैं, बल्कि आप किसी को बताए बिना व्हाट्सएप स्टोरी देख सकते हैं। हालांकि इसके बाद आप भी व्हाट्सएप स्टेटस पर व्यूज नहीं देख पाएंगे। इसके साथ ही अगर व्हाट्सएप डेस्कटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो इनकॉग्निटो मोड पर स्विच कर वेब के लिए अपना व्हाट्सएप खोले, जिसके बाद आप बिना दूसरे व्यक्ति को बताए स्टोरी देख सकते हैं। जिम में वर्कआउट के दौरान गई एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की जान। टीवी शोज कुसुम कसौटी जिंदगी की कृष्णा अर्जुन जमीन से आसमान तक क्या दिल में है गृहस्थी जैसे कई हिट टीवी शोज का हिस्सा रहे टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का बीते दिन निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धांत का निधन जिम में वर्कआउट के दौरान हुआ है। सिद्धांत को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सिद्धांत के आकस्मिक निधन से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। उन्होंने महज 46 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। बता दें कि राजू श्रीवास्तव और दीपेश भान के बाद यह तीसरी डेथ है जो जिम में वर्कआउट करते हुए किसी एक्टर की हुई है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार यादव, मृत्युंजय कुमार, उमेश ऋषिदेव, नुन्नू गोलू कुमार, रवि रंजन सिंह, विडमानी सिंह, शंकर मुखिया, गुरुदेव मंडल, सुनील कुमार, मुतुर रंगीला, कुलदीप कुमार, मंगिता भारती, रंजीत मिश्रा, कविता कुमारी, सज्जन कुमार झा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार गांव में मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराने पर जो विचार किया जा रहा है वो कितना सही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।